राजू, आज न जाने क्यों मुझे बार बार रेखा की याद आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी प्रेम का रेखा से जुदा होने वाला हूँ। राजू तुम यहाँ से जाओ, मेरे हुक्म का पालन करो। मेरे कहने का मकसद यह है कि मेरी प्रेम का रेखा तुम्हें कहीं भी मिलती है तो मेरा संदेशा रेखा तक पहुंचाओ। जाकर यही कहना कि तुम्हारा प्रेमी उसी चट्टान पर बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ। रेखा, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक तुम आई नहीं। रेखा हो गोरिया, ओ गोरिया आवो ना, जरा मुस्कुराओ ना, फूटी गई तकदीर, गोरिया आवो ना, गोरिया आवो ना, जरा मुस्कुराओ ना, फूटी गई तकदीर, बंधन में बांध लो गोरिया आवो ना। सजन तुम आओ ना, सजन घबराओ, देख रहा हूं कि तुम्हारे पिताश्री हमारी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। रेखा, ऐसा करो कि तुम यहां से फौरन निकल जाओ। अगर हमें तुम्हें तुम्हारे पिताजी ने देख लिया तो हमारे तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा, इसलिए तुम यहां से चली जाओ। परदेसी, मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती हूँ। नहीं रेखा, तुम जाओ यहां से, तुम्हें मेरी कसम तुम यहां से निकल जाओ। ठीक है परदेसी, मैं जा रही हूं, मगर अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ रेखा, जाओ। राजकुमार सिंपल, कहिए महामंत्री जी, मेरे पास अचानक आने का कारण क्या है? क्या बताऊं राजकुमार सिंपल, आपके बड़े भाई डिंपल का हुक्म है कि मेरा छोटा भाई सिंपल जहां कहीं भी हो उसे शीघ्र राज दरबार में हाजिर किया जाए। आपके बड़े भाई के हुक्म के अनुसार मैं आपके पास आया हूं। महामंत्री जी, यानी बड़े भैया ने मुझे राज दरबार में याद किए हैं। जी छोटे राजकुमार। मंत्रीवर, गर्व बड़े भैया मुझे राज दरबार में याद किए हैं तो मैं आपके साथ बेशक चलने के लिए तैयार हूं। या मेरे मालिक, आज न जाने क्यों बड़े भैया मुझे मंत्री द्वारा याद किए हैं और मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। या प्रभु, क्या होने वाला है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आवा मोरी मैयरिया हो,
पास करूं भैया, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तेरे साथ नहीं निभाया, मैंने तुझे भाई का प्यार दिया, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी, फिर भी तू मेरे साथ इस प्रकार से विश्वासघात किया। अपनी मां जैसे भाभी पर जुल्म किया, इज्जत पे उसमें इसकी इज्जत को बर्बाद किया। नालायक जी में आता है कि मैं तेरा गला दबाकर यहीं पर भैया
और दोष मेरा नहीं तो फिर किसका दोष है? तेरा नहीं है तो किसका है? और दोष मेरा नहीं कुछ भी भैया, सुनो इसमें भाभी अमल की ऐसी जहरीली नाक
या जहरीली नागन है, ये बोल मेरे ही सामने इस प्रकार से कह रहा है, जरा सी मेरा खौफ नहीं खा रहा है। चालीदार सबसे पहले यह हीरो बना है, इसको पहले जीरो बना, इसके बदन से कपड़े उतर जो डिंपल सिंह वसूल के खिलाफ कभी जा नहीं सकता, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका नहीं सकता। शराब जादे तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लगा दे चेयर और चढ़ा दे इसको फांसी के तख्ते पर। यह मेरे परिवार का आपसी मामला है, इसलिए मैं अपने नौकरों को तक नहीं देना चाहता हूं। एक तरफ रस्सी तुम टाइट करोगी क्योंकि तुम्हारे इज्जत से खेला है, यहाँ प्राणनाथ, और एक तरफ रस्सी मैं टाइट करूंगा ठीक है, क्योंकि मेरी इज्जत नहीं किया है, मेरा खौफ नहीं खाया, मेरे साथ विश्वासघात किया है। यहाँ प्राणनाथ, ये हरामजादा मेरी इज्जत लूटा, मुझे बर्बाद कर दिया। चल जा साले, जूता से मारूंगा। मल्ला वसूल के मुताबिक नेम के अनुसार इसे तीन बातें पूछ लिया जाए, अगर यह कुछ खाना चाहता है खिलाया जाएगा, कुछ पीना चाहता है तो पिलाया जाएगा, अगर किसी से मिलना चाहता है तो मिलाया जाएगा। भैया, हाँ भैया, आप किसी से मिलना चाहते हैं, आप कुछ खाना चाहते हैं, आप कुछ पीना चाहते हैं? भैया, ना मुझे कुछ खाने की दरकार है, ना मुझे कुछ पीने की दरकार है। अगर आप लोगों से हो सके भैया तो एक बार अपने बड़े भैया का चरण छूना चाहता हूँ। मरने से पहले मैं अपने भैया का चरण छूना चाहता हूँ। भाभी, अब तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इस संसार में जीवित नहीं रहूंगा, लेकिन भाभी मेरे मर जाने के बाद मेरे बड़े भैया को किसी प्रकार की तकलीफ न पहुंचाना। रही बात मेरे स्वामी जी का पैर छूने के लिए अरे छाई है चारों तरफ हो रहमत की बहारे, अरे ताई हलीमा कहती
अरे हाथी को पसारे कि बबुआ ये उत्यानाए। ओ इस तेरी फरियाद कोई सुनने वाला नहीं है। वो बबुआ ये उत्यानाए और तुम हो सारे नदियों के सरकार बबुआ सारे नदियों के सरकार बबुआ उत्यानाए। बबुआ उत्या बबुआ उत्या बबुआ उत्या बबुआ उत्या बबुआ उत्यानाए। तुम हो सारे नदियों के सरकार बबुआ धूम है सर अल्लाह की हसरत की नगरिया। मच धूम है सर अल्लाह की हसरत की नगरिया। हसरत की नगरिया बबुआ हसरत की नगरिया। अरे काहे चंदा जैसे अंजरिया बबुआ ये उत्यानाए। ओ बबुआ ये उत्यानाए और तुम हो सारे नबियों के सरदार बबुआ उत्यानाए। तुम हो सारे सारे नबियों के सरदार प्रिय। इसने तो तुम्हारी इज्जत को बर्बाद किया है इसलिए नंबर तुम लगाओगी। रस्सी का फंदा कैसे टूट गया? हाँ साहब, आ गए हमारे हरकेश प्रजापति। हरकेश प्रजापति ग्राम जी से सीन को देखते हैं काम पर खुश होकर के 10 रुपए का दान प्रदान। भैया जी का बार बार नमस्कार धन्यवाद। फांसी का फंदा टूट गया तो क्या हुआ, लेकिन अभी मेरे दरबार का वफादार जल्लाद बाकी है। तोड़ बोल मेरे दरबार का वफादार जल्लाद हाजिर किया जाए। रात दरबार के जल्लाद हाजिर हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दुश्मन को भय हो, दुश्मन को भय हो, मेरे वफादार जल्लाद ले जाओ इसे, इसके हाथों में हथकड़ी लगाओ और ले जाओ, इसका कत्ल कर देना और कत्ल करके इसका कलेजा निकाल कर लाकर मेरी प्रिय मां लक्ष्मी के कदमों में हाजिर करना और इसका पालन किया जाए। रजन ऐसा ही होगा। मेरे वफादार जल्लाद मेरा भी हुक्म है, ये जो तुम्हारे सामने हरामजादा सिंपल खड़ा हुआ है, तुम इसको ले जाओ और इसका कत्ल कर दो। इसका
इनका कलेजा जब ला करके दोगे ना, जब तक मैं अपने पैरों से नहीं तब तक हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और माया का दीवाना जाके अरे भैया पहले खाती छूटल जाला बबुआ हमरे, छूटल जाला बबुआ हमरे, बाबुल के था है मेरे लिए मेरे शहर कच्छ में ये कप्चा लेकर के आओ।